स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को बेल आइकन दबा करके, जिससे सारे अपडेट और वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। मित्रों, आज हम आप बात करने वाले हैं रावण के बारे में। रावण का क्या स्वरूप है, जो कि रामायण में खलनायक का किरदार रावण के जिम्मे रहता है, तो आखिर रावण का स्वरूप जैन रामायण पद्म पुराण के अनुसार क्या है और किस प्रकार का जैन रामायण में बताया गया है, जैन धर्म में रावण का क्या स्वरूप है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावण की गर्भावस्था से। गर्भावस्था में जब रावण का जीव था, तो गर्भावस्था में ही उसके पराक्रम का पता सब लोगों को चल चुका था, क्योंकि जब वो गर्भावस्था में था तो उसकी माता को दर्पण में देखने की इच्छा के बजाय अपना मुख तलवार में देखने की इच्छा होती थी, जिससे लोगों को पता चल गया कि कोई जरूर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होने वाला है। नंबर दूसरी कि दशानन नाम भी एक रावण का सुनने में आता है। दशानन जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि उसके दस सिर नहीं थे, उसका सिर तो एक ही था, लेकिन जब नामकरण करने के लिए विद्वान जब बुलाए गए तो उन्होंने जब रावण को देखा तो उनको दस सिर दिखाई दिए, क्योंकि वो एक माला पहने हुए था और जिसमें उसके नौ चेहरे दिखाई दे रहे थे, माला में चमक रहे थे, और एक उसका खुद का सिर मिला करके दस सिर उसके हुए। इस प्रकार से उसका नाम दशानन पड़ा। रावण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक मुनिराज बाली नाम के मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उनको परेशान करने के उद्देश्य से वो पर्वत को हिलाने के लिए गया, लेकिन मुनिराज ने जरा सा अपने पैर के अंगूठे को दबा दिया और वो रावण चिल्लाने और रोने लगा, उसको वेदना होने लगी। इस बार कारण से रौती इति रावण से उसका नाम रावण पड़ा। बात करें रावण की भगवान में आस्था की, तो वो शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और शांतिनाथ विधान जो विधान हम लोग करते हैं वो सबसे पहले उसी ने किया था। वो इतना भगवान का भक्त था कि एक बार नृत्य करते समय, भक्ति करते समय एक वीणा का तार था वो टूट गया था और उसने अपने हाथ की नस को तोड़ करके नाड़ी को उस जगह लगा दिया था। उसके महल में भी एक शांतिनाथ भगवान का मंदिर था। लोग कहते हैं रावण राक्षस था, लेकिन वास्तविक रूप में विचार किया जाए तो रावण का वंश का नाम राक्षस वंश था। हालांकि वो कोई राक्षस नहीं था जैसे हम टीवी में सीरियल्स में देखते हैं, बड़े बड़े दांत और नाखून वाला कोई व्यक्ति राक्षस होता है, वैसा वो नहीं था। असल में तो वो एक बहुत बड़ा विद्वान था। अगर बात करें उसके साम्राज्य की, तो वो एक प्रति नारायण था जो कि 63 श्लाका पुरुषों में आते हैं। महापुरुषों के अंतर्गत प्रति नारायण किया जाता है और वो तीन खंड के राजा होते हैं और नारायण थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने रावण का संहार किया था, ना कि राम ने। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने रावण को मारा था और वर्तमान में वो नरक में है, तीसरे नरक में है मरने के बाद, और अगली पर्याय में वो धातकी खंड द्वीप में तीर्थंकर के स्वरूप को धारण कर लेगा। इस कारण से वो आगे चल करके तीर्थंकर बनने वाला है। बात करें रावण दहन की, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर रावण के पुतले बना करके जलाए जाते हैं। वास्तविक रूप में हम दहन क्यों करते हैं, लोगों से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम बुराई को नष्ट करने के प्रतीक में रावण को नष्ट करते हैं, उसको जलाते हैं। हम विचार करें कि दहन हम किसका कर रहे हैं, हमें बुराइयों को दहन करना है, हमें बुराइयों को नष्ट करना है, ना कि किसी व्यक्ति को। और इसमें अगर हम उसको जलाते हैं तो किसी भी जीव को जिंदा जलाने का पाप भी हमें लगता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लंकेश का नहीं दहन करो संकलेश का। हम अपनी बुराइयों को त्याग करें, उनको जलाएं, उनको नष्ट करें, बुराइयों को त्याग करें। ऐसा अगर अपन करते हैं तब जाकर के हम अपने को एक सही रास्ते पर पाएंगे, जो कि जैन धर्म के अनुसार एक सही और सच्चा रास्ता है। तो दोस्तों, हम जैनिज्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।